मैंने सिर्फ इतना लिखा था जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी बात मैंने लिखा बस और कुछ नहीं। लबैक गया रसूल अल्लाह, इसमें कुछ गलत हुआ भाई? परमिशन नहीं है ठीक है, कोविड-19 है ठीक है, लेकिन अकेले आदमी के लिए तो कोई परमिशन नहीं लगती। आप 144 लगाओ 188 लगाओ, एक आदमी के लिए तो नहीं है पाबंदी। हमने सिर्फ इतना लिखा कि जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेला ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी तकलीफ हो गई हमारी जुबान से इतने निकले हुए जुमले से कि मेरे घर पर लाकर वो प्रिंट भी निकाल करके लाए और चिपका करके कर। क्या आपने ये स्टेटस पर लगाया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में खलबली मच सकती है? अल्लाह अकबर, सिर्फ एक स्टेटस से इतना हो सकता है? तो फिर अंदाजा करो कि हर शेर तो होशियार होगा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में हर गुलाम होशियार होगा। यहाँ हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहाँ कहा कि जुलूस लेकर के किसी को मारने जा रहे हैं, जुलूस लेकर के किसी को कत्ल करने जा रहे हैं? हम कहाँ, हम तो गुलामी में मुस्तफा में निकलने की बात कर रहे हैं। हम अमान और खैर सगाली की दावत देने की बात करते हैं। लेकिन इस बात पर भी तकलीफ तो हुई। अब हमें ये नहीं पता कि पुलिस को तकलीफ हुई कि नेता को तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है सिवाय एक इबलीस के जहां, सिवाय इबलीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो रसूलुल्लाह वाले हैं और हुजूर पाक की मिलाद मनाने वाले हैं और जुलूस करने वालों में से है। जिसे तकलीफ हो वो इबलीस की इब्तिदा करे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ जुलूस की